बेशक सरकारां बड़ियां बड़ियां गल्लां करदियां कि नशा तस्करां नूं फड़ांगे जी, चिट्टा खत्म कर देंगे, पर लगता नहीं हैगा कि खत्म हो पाएगा। जनता नूं ही उठना पएगा। तो साडा एक पत्रकार वीर आ, देखो फिर उहदा कारनामा किवें, एक तिखी कलम वाले पत्रकार ने चिट्टा बेचण वाले नूं रंगे हत्थी फड़ के पुलिस दे कीता हवाले। आ जिहड़ी जगह जी, जगह दे उत्ते इह सवेरे जिहड़े पंज बंदिआं नूं इहने चिट्टा बेचिआ, इह जगह दे उत्ते आ बंदा खड़ा, पंज बंदिआं नूं बेचण तों इधर चेक इधर तक, और इह जगह दे उत्ते देख के दो बंदिआं नूं इह फेर दुबारा देण जा रिहा सीगा। ते इसे जगह दे उत्ते जिथे मैं इहनूं फड़िआ, इहनां नूं इथों भज्जे नहीं, दो बंदे तां मोटरसाइकल इथे छड्ड के भज्ज गए, आ मोटरसाइकल जिहड़ी थुल्ले दी निशानी आ, ते दो बंदे क्योंकि सानूं उहनां तक मत कोई मतलब नहीं सी, उह लैणे वाले सी, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ, ਕਿਤਾ ਇਹ ਕਮਰੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 10:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:42-43 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ। ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੀ ਦਾਇਰੇ ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੜਿਆ पिछे नु मुड़ जी, ऐदां ही ऐदां ही चल आ जगह जी जिथे एह करदे ने। एक मिनट विजय माड़ा दूरों दिखाई, एक मिनट जगजीत जी, आ जिहड़ी जगह जी, ए जगह दे उत्ते इह सवेरे जिहड़े पंज बंदिआं नूं इहने चिट्टा बेचिआ, ए जगह दे उत्ते आ बंदा खड़ा, पंज बंदिआं नूं बेचण तों इधर चेक इधर तक, और इह जगह दे उत्ते देख के दो बंदिआं नूं इह फेर दुबारा देण जा रिहा सीगा। ते इसे जगह दे उत्ते जिथे मैं इहनूं फड़िआ, इहनां नूं इथों भज्जे नहीं, इह दो बंदे तां मोटरसाइकल इथे छड्ड के भज्ज गए, आ मोटरसाइकल जिहड़ी थुल्ले दी निशानी आ, ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮਤ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਧਰ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਗਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਲਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ, ਕਿਤਾ ਇਹ ਕਮਰਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੈਮਰਾ ਹੋਰ ਲੱਗਿਆ, ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ 10:30-11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11:42-43 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਲੈਣ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸੀ ਦਾਇਰੇ ਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਚੱਲ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ, ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਚੱਲ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦੂੰ, ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ, ਖਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਦਾ, ਜਗਜੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ।
मैं पत्रकार गुरप्रीत सिंह महदूदा लंबे समय तो पत्रकारी के माध्यम से आम एक समाज सेवक के माध्यम तो भी जिहड़ा नशियां दा वगदा दरिया इहदे खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई आ। तो मेरा अपने महल के पिछले दिन ही मैनू लोगों ने शिकायत की सी कि साडा महला न्यू सुंदर नगर मुंडिया कलां जिहड़ा कि मुंडिया पुलिस चौंकी दे बिल्कुल 10 कदम ते आ, मुंडिया पुलिस चौंकी महल के ही आ, पर मेरा अपना घर आ 10 कदम ते आ। तो उत्थे चिट्टे दियां जिहड़ियां मोनिका स्कूल दे कोल चिट्टे बिकण दियां खबरां मैनू लोग सूचनावां दे रहे सी, पर लोग डरदे मारे खुद सामने नहीं आ रहा सी। ते मेरी पहली नज़र इन्हां दे उत्ते सी कि नशा तस्करां नूं रंगे हाथी फड़िया जाए। सवेरे करीब अज जिहड़ा 11:30 बजे दे करीब जदों मैं नहा के अपने छत ते खड़ा सी ते मैं देखिया कि कुछ बंदे उत्थे चिट्टा एक व्यक्ति तो लै रहे ने ते उहनूं पैसे दे रहे ने। तो मैं जल्दी तो जल्दी अपना जिहड़ा क्योंकि कपड़े पा के मैं जल्दी तो जल्दी उन्होंने ये देखा भी ये जिहड़ा बेचण वाला कित्थे जा रहा, क्योंकि मैनूं पता लग्या सी महल्ले दा ही बंदा है जिहड़ा नवा कोई किराएदार आया तो जां वैसे रहण आया। तो उन्होंने देख के मैं जब देखिया भी वह उधरों गया, मैं वो कपड़े पा के मगर भी गया पर मैनूं लभ्या नहीं। तो जो मैं वापस आया तो कुदरती दो लड़के फिर उस जगह के उत्ते हाथों के पैसे ले खड़े सी। तो मैनूं जिहड़ा डाउट सीगा भी ये बंदे दोबारा फिर चिट्टे की जिहड़ी डोज लैण आए ने। तो मैं मुड़ उस वेले अपना मोटरसाइकिल लैके पुलिस चौंकी मुंडियां गया, इंचार्ज दलवीर सिंह सारी गल दसी तो उन्होंने जसप्रीत नूं मेरे नाल भेजा। तो जसप्रीत तो मैं खुद रोड के उत्ते खड़ गए तो देखते रहे कि चिट्टा बेचण वाला इस व्यक्ति दे कोल कदों आउंदा, इन्हां जिहड़े दोए नौजवान लड़के खड़े ने। तो जदों असीं उहदा मोटरसाइकिल आउंदा देखिया भी वह आ रहा, तो असीं अपना मोटरसाइकिल स्टार्ट करके जदों उन्होंने कोल रुकन लग्या तो असी फटाफट अपना मोटरसाइकिल उहदे वल नूं जदों वधाया तो उसने पुलिस नूं देख के तो मैनूं देख के उसनूं जिहड़ी शक पई तो वह अपना मोटरसाइकिल लै के दुबारा महल्ले वालू फिर भज लिया। तो जिहड़े वह दोए नौजवान जिहड़े चिट्टा लैण आए सी वह भी हड़बड़ा दे विच मोटरसाइकिल डिग गया तो एक परे नूं दूसरे पासे नूं भज गया। तो दूसरे ने अपना मोटरसाइकिल संभालण लग्या पर उहनां वल साडा ध्यान नहीं सीगा क्योंकि असीं चिट्टा बेचण वाला फड़ना सीगा। तो असीं इहदे मगर अपना मोटरसाइकिल जिहड़ा भजाया सी, दो बंदे सी, इह कल्ला सी, इह साडे तों काफ़ी अगे निकल गया पर अगे जिस गली दे विच वड़ गया वह गली बंद सी। तो अगे अगे जाके असीं इहनूं इस दे कोल जदों असीं इहनूं अगे जाके फड़िया ने मेरे ते हमला करन दी भी कोशिश की आ जिहदे करके मैनूं इहदे ते गुस्सा भी आया। तो इहदे कोल हथियार कोई नहीं सी पर इसने हमला करन दी कोशिश की और इहदे कोलों उस वक्त जिहड़ियां 3 पुड़ियां जिहड़ियां असीं उस तों इस तों बरामद कीतियां सी कैमरे सामने लाइव जिहड़ा चलाया उस दे विच असीं दिखाया। तो 4थी पुड़ी उस जगह दे उत्ते इसकी सिट्टी हुई सीगी ते जिहड़ी क्योंकि इहने कोशिश कीती सी उह सारा समान सिट्टण दी पर जसप्रीत दी नज़र तेज़ दिखी भी इसने देखिया भी इत्थे जरूर सिट्टा सिट्टिया होगा, उत्थों इहने 3 जिहड़ी 4थी पुड़ी भी बरामद कर ली और इहदे पैसे पर्स विच फुल भरिया होया सी जिहड़ा कि पुलिस दे दसण मुताबक 10-11 हज़ार रुपया जिहड़ा इहदे कोलों उन्होंने बरामद किया जिहड़ा कि उस सिर्फ 15-20 मिंट के विच इहने चिट्टा बेच के कमा लिया। तो इस तों बाद असीं इहनूं फड़ के मुंडियां पुलिस चौंकी के हवाले किया जिथे इहदे उत्ते परचा दर्ज हो रहा और पता लग्या भी 7 परचे इहदे उत्ते दर्ज ने। पहलां भी एक लड़की समेत तस्करी के मामले के विच इहदे उत्ते चिट्टे का परचा दर्ज आ और उस तों बिना लुट्टां खोहां दे 6 परचे दर्ज ने। इस तों बिना भी पता लग्या कि यह एक तो बाद दूजी जनानी नूं लव मैरिज या किसी होर तरीके नाल ब्याह करा के किसी भी तरीके नाल यह भी यह क्राइम आ जिहड़ा जुलम करदा। देखो जी पुलिस नूं असीं बरीकी नाल जांच करन नूं कह रहे हां क्योंकि जे पुलिस दा उस मोनिका स्कूल के कैमरिया का रिकॉर्ड कढ़ा लवे तो कैमरिया के विच साफ हो जाएगा कि किन्ने व्यक्ति उस जगह के उत्ते आ के चिट्टा बेचते हैं क्योंकि उत्थे 2 कैमरे लगे ने। अज कल्ला सीगा ये पर पता लग्या सी महल्याणे दे दसण मुताबक भी 2-3 व्यक्ति जिन्हां दे विच औरतां भी शामिल ने वो उस पॉइंट के उत्ते आ के जिहड़ी डिलीवरी करते सी ते अज भी उस जगह तो इन्हां नूं फड़िया और यह बड़ा रैकेट आ। इस करके पुलिस इस दे विच ढिल ना करे ते लोकां नूं इस नशियां तों निजात दिवाउण लई सारे रैकेट नूं बेनकाब करे। तुहाडे लोकां वीडियो भी उत्थे बनाई गई सी मौके ते? देखो पूरी वीडियो बनाई आ और जदों ने मैनूं ते हमला भी कीता इस करके भी मैनूं गुस्सा सी। दूसरा मैं अपनी रिपोर्टिंग वेले 5 भरावां दे इकलौते जिहड़े भरा ने जां इकल्ली इकल्ली औलाद अक्खां दे नाल मरदी देखी आ उह पूरे दा पूरा जिहड़ा सीन सी खौफनाक सीन सी उह मेरे अक्खां दे सामने जदों आया तो मैनूं गुस्सा भी चढ़िया थोड़ा बहुत ये तो जिहड़ी जदों ये गल पूरी नहीं हो कर रहा सी सच्चाई बयान नहीं कर रहा सी नहीं दस रहा सी सारा कुछ होण दे भी फिर ये एक दो जरूर थप्पड़ भी जरूर लगे ने। तो सही सलामत इहनूं पुलिस नूं दित्ता तो पुलिस नूं भी बेनती करदे आ भी थोड़ा जिहा सख्ती दे नाल इहदा पूरे रैकेट दा पर्दाफाश करे। कंप्लेंट दर्ज करी अगर पुलिस कहिंदी कंप्लेंट दर्ज कोई मामला सामने नहीं आंदा शिकायत लिखाउण वास्ते तुसीं शिकायत लिखाओगे ते खिलाफ ऐसी की तैसी फेर नूं पुलिस दी जे पुलिस इदां करेगी मामला दर्ज नहीं करेगी मेरे को वीडियो आ
मेरे को पुलिस के उच्च अधिकारियों के नाल लड़न की ताकत आ। अज सरकार बदल चुकी आ, पहलियां सरकारां दे विच हो सकता कि इदां होवे, अज दी सरकार तो बहुत उम्मीदा ने। तो इस करके मेरे को बहुत वड्डा राह कानून का राह, हाई कोर्ट मेरे को पई आ, सुप्रीम कोर्ट मेरे पई को पई आ। इहो जे पुलिस वाले की जिहड़े झूठ बोलणगे जां इहनां दे नाल किसी भी तरह की रैत करनगे, ऐसी की तैसी इहनां दी, इन्ना क तां नजिठणा हुंदा है जे पत्रकार भी ते अज इक मुलाजम आगू भी, इहनां दी ऐसी की तैसी फेर दूंगा सारिआं दी। यह जी गल नहीं, वकील भी बथेरे हैंगे, भरा ने सारे, इन्हों हाई कोर्ट तक लै जाऊँ सारी वीडियो के हवाले के नाल भी, आ देखो चिट्टा बेचते ही फिर यदा मतलब ये जेकर एक कार्रवाई नहीं करे। तो यह गल मैं पुलिस चौकी के भी कह चुके हाँ, पुलिस वाले भी कह चुके हाँ भी जे तुम भोरा भी रैत की है तो फिर मैं रैत नहीं करनी, मेरी नौकरी भी जा सकती है तो थोड़िया नौकरियां मैं रहन दूंगा। एक नौजवान फड़े चिट्टे का मामला है, चिट्टा फड़े और कितों फड़े है? रिकवरी थोड़ी हुई है, रिकवरी कर रहे हैं अं, इन्हों को कोशिश कर रहे हैं, जितों लिया है उत्थे रिकवरी ली जा रहे हैं, तो तफ्तीश जारी आ। ये 33 फट्टा रोड तो फड़िया सुंदर नगर का। ये सेल का कम करता है, चिट्टा बेचता है? नहीं, ये पीन का भी आदि है, बेचता भी है, कुड़िया भी बरामद ही हाँ, वो भी कर रहे हैं जी। ये बेचन जा रहे हैं? हाँ, वे ਬੀਜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪੀਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ। ਇਹ ਨਗਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ? 10,400 ਰੁਪਈਆ ਨਗਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਕਰਦੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਮੁਕਦਮਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਥਾਣੇ ਜਮਾਲਪੁਰ ਦਾ ਹੀ, 20-19 ਦਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਬਾਕੀ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦਮੇ ਹੈਗੇ ਪਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਾਹਦੇ ਕਾਹਦੇ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦਰਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਆਜੂਗੀ ਡਿਟੇਲ। ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੈਗੇ? ਉਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਡੀ ਡੀ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਦਮਾ ਵਾ 272 ਨੰਬਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀ ਜੀ ਕੋਈ ਪੂਨਮ ਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਚਿੱਟਾ ਕਰ, ਕਿੰਨੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰੀਬ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ? ਕੋਹਣੀ 2 ਪੁੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ। ਤਿੰਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ, ਤਿੰਨ ਛੇ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਟੋਟਲ ਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਬਾਪੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਉਹੀ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਆ ਟੋਟਲ ਸਾਰਾ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਦੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਕੁੜੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਦੀ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਕੋਹਣੀ 5-5, 7-7 ਰੁਪਏ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਿੱਟ ਜਿਹੜੀ। ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ? 2 ਪੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲੱਗੇ? ਹਾਂ, ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਹੈ ਤੇ?